अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये व्लॉग मेरा फ्राइडे का है और फ्राइडे वाले दिन काम वाली नहीं आती है, तो सारी क्लीनिंग मुझे करनी होती है। जिस दिन काम वाली नहीं आती उस दिन क्लीनिंग मैं करती हूँ। सो मैंने सफाई कर ली है और अब बस मुझे यहाँ पर चादर चेंज करनी है। चादर चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर गुलटेक्स की चादर भी छा दूँगी। सर्दियों में गुलटेक्स की चादर बहुत अच्छी रहती है और इसमें गर्मी नहीं लगती। अगर आप गर्मी में इसको बिछाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उलझन होती है, चुभती है। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। एक तो गुलटेक्स की चादर का ये फ़ायदा कि इकट्ठी नहीं होती, बाकी दूसरी चादर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉटन की चादर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, बीच में आ जाती है बैठ के, तो फिर गुलटेक्स की चादर इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्लीनिंग का सारा काम फिनिश हो चुका है तो जल्दी से किचन की तरफ चलते हैं कि इससे पहले गैस फिनिश ना हो जाए। आज मैं आपके साथ तवा के लेजी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो आपके सामने हैं। मैंने यहाँ पर लाल किए हुए प्याज लिए हैं और साथ में दो अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं, ज़ीरा है, अजवाइन है और कुटी हुई लाल मिर्च है। और इसके साथ जो और इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो ये हैं। इसके साथ मैंने ले लिया है दही और साथ में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, नमक है और साथ में लाल मिर्च का पाउडर है और अदरक पाउडर है। फ्राइड अनियन के अलावा मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और मैंने लहसुन को भी ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलेजी का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है क्या, वो है जी सिरका। सिरका जो है बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है। सिरके से ये होता है कि जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर आप बड़े गोश्त का भी कलेजी यूज़ करते हैं तो उसमें भी डालें तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती। 15 मिनट के लिए हमने कलेजी को मैरिनेट होने के लिए रख देना है और 15 मिनट के बाद हमने तवा लेना है। तवे के ऊपर हमने ऑयल डालना है। ऑयल को हमने 5 मिनट के लिए गर्म करना है। जब ऑयल 5 मिनट बाद अच्छे से यानी कि थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, तो हमने इसके ऊपर क्या करना है, कलेजी डाल देनी है। कलेजी डालते ही आपने इसके ऊपर जो है फ्राइड अनियन है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, जैसे कि मैं अभी आगे आपको दिखाऊँगी। फ्राइड अनियन मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पे कोई पानी ऐड नहीं किया है, दही पानी छोड़ेगा, इसी में ही ये कलेजी तैयार हो जाएगी और सिरका भी लगा है, स्मेल भी नहीं आएगी सिरके से और कलेजी भी अच्छे से गल जाएगी। तवा कलेजी 15-20 मिनट तक बिल्कुल रेडी हो जाती है और उसके बाद हमने इसके ऊपर ऐड करनी है हरी मिर्चें, कटी हुई हरी मिर्चें आप ऐड कर लें और साथ में ऊपर डेकोरेट करने के लिए आप हरा धनिया डालें और हरे धनिया से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आती है और डेकोरेट भी हो जाता है। ऑयल भी बिल्कुल अलग हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मसाला बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट है हर चीज़ इसके अंदर। अगर आपको लग रहा है कि मिर्च थोड़ी कम है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, आपको जो चीज़ कम लग रही है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे यकीन माने कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तवा कलेजी। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक कॉमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी दीजिएगा। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तूने पहले कभी धोए? एक दफा धोए थे। हाँ।
चल हो जा मेरा। खाना वाना खा के हम हो चुके हैं फारिग और यकीन माने तवा की लीची बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी आज की रेसिपी और आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।